meditation there. That's true. That's good. You have to do that. Let me say something else. अगर आप चर्च से बाहर खुदा के साथ कनेक्ट नहीं रखते तो आप इधर इतना मर्जी मतलब देखने कोई बात नहीं होगा। आपका जाती अल्लाह जो है, रिश्तेदारी जो है, जो रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, अगर वो खुदा के साथ ठीक है तो यू विल बी फाइन, अगर वो नहीं तो यू आर इन ट्रबल। तो बेटा ये खुदा के कलाम के हकायक जिंदा है, ये खुदा का कलाम है, ये उसका रहम है, कौन इसका इनकार करता है? मरता है लेकिन उसको पता नहीं। बाइबल मुकद्दस के हकायक को, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। क्यों? रात अंधेरी है। फिर जबरान ने क्या कहा? उसे किसी ने पूछा, ये जो लबनान में जंग चल रही है इसका हल क्या है? वो कहता है, भाई ये रात अंधेरी है, इसको कैसे बताओगे? सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये खुदा का कलाम रोशनी है, नूर है। जो नूर में चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा, जो अंधेरे में चलेगा यू नेवर नो व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, अगर हम मतलब ये आसास ये है कि मुझे खुदा के घर में जाना चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ, ये कह देता हूँ, बहुत से लोगों के लिए समझ गया, कुछ मेरी चर्च में छूट गया, घर में चल गया। If you are doing this here, what's going to happen when you go there? This is a hassle. यहाँ पे आप मश करते हैं कि किस तरीके से एक ग्रुप में इकट्ठे होकर पब्लिक आवाम की राह से खुदा के दिल कैसे पढ़ते हैं वो कहता है स्टिल हैव अ चांस, जब हम उसके पास आते हैं किसी न किसी शख्स को इस तरफ आप मदद कर सकते हैं, वो किताब आए क्या कहता है? जब वो कहने लगे मैं खुश हुआ, जब वो कहने लगे कि आओ first
they can come into government. Please. अब क्योंकि ये तो जरूरी है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, मैं खुदा के वकील हूं, इस लायक नहीं कि तेरे हुजूर अब आया हूं तो वो अपनी छाती पीट पीट कर क्या कहता है, मुझ पे रहम कर। लेकिन इन दिनों में हो वीक वी आर इन नाउ लाइक मैं का आई नो दैट व्हेन यू कम हियर फ्यू मिनट्स टेक योर टाइम खुदा के साथ अपना ताल्लुक जो है रिश्ता जो है उसको जोड़ो। खुदा मैं खाली झोली लेके तेरे पास आना अपनी बर्खास्त सदा दे और आवाम की ये जो बरकतें हैं या बादत है इसकी बरकत है और बरकत ये भी है कि हम करके दिल के दुआ कर सकते। क्या रखा है एलिया की दुआ से क्या नींद बंद हो गया वो कहता हम तो कही हैं कि इससे बहुत कुछ हो सकता है। मोहब्बत है, इत्तेहाद है, जमाइयत है, यूनियन है। और जब ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख कर देखते हैं पब्लिक वर्शिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन डू। जो जरूरी है। अब हम जरा शुक्र की तारीफ करते हैं।